Hi guys, welcome back to my channel Beauty Styles and my name is Sweetie. So स्किन केयर तो हम सभी करते हैं. स्किन केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है हमारे स्किन को ठीक रखने के लिए, हमारे स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग रखने के लिए. तो स्किन केयर करना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन कभी कभी हम स्किन केयर में कुछ छोटे मोटे मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज हो सकती है या फिर जिसकी वजह से हमें कभी कभी ब्रेकआउट या फिर पिंपल आ जाते हैं. तो इन छोटे छोटे कुछ मिस्टेक्स हम करते रहते हैं हमारे स्किन केयर रूटीन में, जो कि मैंने भी पास्ट में किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना करें. इसलिए ये वाला वीडियो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ. और आज हम 10 स्किन केयर मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और इस वीडियो को भी लाइक कर देना, लाइक करना बिल्कुल फ्री है. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और पास ही में बेल नोटिफिकेशन होगा उससे भी ज़रूर हिट कर देना, ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मिस ना कर दें. सो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. दिन में दो बार तो ज़रूर वॉश करना चाहिए गाइस. और अगर आप कहीं पर से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आप ज़रूर अपना फेस वॉश करें, ताकि बाहर से जो डर्ट और पोल्यूशन आपके फेस पे है वो ज़्यादा देर आपके फेस पे ना रहे. दिन में 2 से 3 बार से ज़्यादा हमें फेस नहीं वॉश करना चाहिए. और आप जब भी फेस वॉश कर रहे हैं तो आपको 60 सेकेंड से ज़्यादा देर तक फेस वॉश नहीं करना है. बहुत लोग बहुत देर तक फेस को घिसते रहते हैं वॉश करने के टाइम, और वो सोचते हैं कि उनकी फेस और भी अच्छे से क्लीन होगी. तो ऐसा होता तो है, मतलब पहले तो सारे डर्ट्स एंड पोल्यूशन फेस से क्लीन हो जाते हैं. इसके बाद भी अगर फेस को आप वॉश कर रहे हैं 60 सेकंड से ज़्यादा, तो आपके स्किन पे जो नेचुरल मॉइस्चर है वो भी रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. सो गाइस, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बाहर जाने पर ही सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, और अगर वो घर पे है या फिर क्लाउडी है तो सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करते हैं, और वो सोचते हैं कि तब सनस्क्रीन की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन आप घर पे हो, बाहर हो या फिर क्लाउडी मौसम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. डे टाइम में आपको हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सन तो डे टाइम में हमेशा ही आता है और हमें सन रेज भी मिलती है. सूरज तो अपना काम करता है ना, तो सनलाइट तो आपके घर के अंदर भी है, अगर क्लाउडी है तो भी है. और उस सन रेज में हमेशा ही UVA एंड UVB रहता है, जो कि हमारे स्किन को डैमेज करता है. तो उससे बचने के लिए हमें डे टाइम में हमेशा ही सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए. और गाइस, मैंने सनस्क्रीन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो कर रखा है, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है. तो आप अगर सनस्क्रीन के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका भी आपको रिप्लाई करूँगी. और मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दोनों पे दे दूँगी, तो आप चेक कर लेना. तो सनलाइट दिन में हर जगह होती है, और अगर हम सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें टैनिंग, सनबर्न ये सब हो सकती है. तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो बहुत लोग स्किप कर देते हैं. ये वाला मिस्टेक भी बहुत सारे लोग करते हैं, और स्पेशली टीनेजर्स, मतलब वो मेकअप अप्लाई तो करते हैं लेकिन रात को रिमूव किए बिना ही सो जाते हैं. तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है. नाइट टाइम में हमारी स्किन रिपेयर होती है गाइस, और तब अगर वो क्लीन नहीं रहेगा या फिर उसके ऊपर मेकअप रहेगा तो ये हमारे स्किन को डैमेज करेगा, और इससे हमें पिंपल, ब्रेकआउट्स और स्किन बहुत ज़्यादा डल भी लगती है. अगर आप स्किन केयर करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम स्किन केयर करके रात में सोते हैं तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश लगती है और ग्लोइंग लगती है और हेल्दी भी लगती है. लेकिन अगर आप मेकअप रिमूव किए बिना ही सो जाते हैं तो सुबह बहुत ज़्यादा फेस डल लगती है, और कभी कभी तो हमें 1-2 पिम्पल भी नज़र आ जाते हैं या फिर ब्रेकआउट भी हो जाती है. तो ये सब फेस को क्लीन ना करना और मेकअप फेस में रहने की वजह से ही होता है. तो मैं
मेक श्योर कि आप जब भी रात को सो रहे हैं तो अपना फेस ज़रूर वॉश करें, हो सके तो स्किन केयर भी कर ले। और अगर आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है या फिर आप घर में हैं तो मेकअप ना ही करें, मतलब क्यों ही करना है, घर में ही है। और अगर मैं कहीं जाती भी हूँ मेकअप करके तो आने के तुरंत बाद ही मैं फेस को अच्छे से क्लीन करती हूँ, देन मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, इससे फेस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। कितनी लड़कियाँ स्क्रब डेली करते हैं, स्क्रब करना अच्छी बात है, स्क्रब करने से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स दूर हो जाते हैं, बट गाइस हमें डेली स्क्रब नहीं करना चाहिए, ये एक मिस्टेक है स्किन केयर का। अगर आप डेली करते हैं तो स्क्रब से डेड स्किन सेल्स भी रिमूव हो जाती है, तो स्क्रब ज़रूर करें लेकिन वीक में 2 से 3 बार करें, उससे ज़्यादा मत कीजिए। अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। हमारे फेस पे एक पिंपल आ जाता है तो बहुत लोगों से रुका नहीं जाता है और वो उसे फोड़ ही देते हैं, उसे पॉप कर देते हैं, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए गाइस। अगर आप पिंपल को पॉप कर देंगे तो उससे उसका जो इन्फेक्शन है वो फैल जाएगा और आपको और भी बहुत ज़्यादा पिंपल हो सकते हैं, और तो और वो पिंपल का जो स्पॉट है वो वहाँ पर रह जाता है पिंपल को पॉप करने से। अगर वो नेचुरली आता है और नेचुरली चले जाता है तो उससे आपको कोई भी दाग नहीं होंगे, जैसे कि मुझे भी कभी कभी 1-2 पिंपल हो जाते हैं बट मैं उसे कभी भी पॉप नहीं करती हूँ और कभी भी उसे उतना ज़्यादा टच भी नहीं करती हूँ, तो वो कुछ दिन बाद रहता है 1-2 वीक तक और फिर चले जाता है। और पॉप ना करने की वजह से मेरी स्किन में कोई भी स्पॉट भी नहीं रहता है। लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के फेस में बहुत सारे पिंपल हो जाते हैं या फिर पिंपल चले भी गए हैं लेकिन उसके स्पॉट्स रह जाते हैं, तो ये पिंपल को पॉप करने की वजह से ही होता है, तो आप ऐसा मत कीजिएगा। पिंपल अपने आप आता है, सबको ही आता है और वो नेचुरली चले भी जाता है कुछ दिन बाद। और अगर आपके फेस पे कहीं पर भी पिंपल है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप उस पिंपल को बिल्कुल भी ना टच करें या फिर कम से कम टच करें, क्योंकि अगर आप उस पिंपल पे टच करते हैं देन उसी फिंगर से अपने फेस पे दूसरी जगह टच करते हैं तो आप इस तरीके से जो बैक्टीरिया है और पिंपल की जो इन्फेक्शन है उसे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इससे चांसेस है कि आपके फेस की दूसरी जगह और भी पिंपल हो, तो उसे टच बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपके फेस पे पिंपल है यानी कि एक्टिव पिंपल है तो आप उस टाइम पर स्क्रब नहीं कीजिएगा, अगर आपको स्क्रब करना पसंद भी है तो भी मत कीजिएगा। पिंपल के ऊपर कभी भी हमें स्क्रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्क्रब करेंगे पिंपल के ऊपर तो पिंपल का जो इन्फेक्शन है वो आपके फेस में फैल जाएगा और आपके फेस के और भी जगह पर पिंपल हो जाएगा। आपकी चाहे कोई भी स्किन टाइप्स हो, आपको मॉइस्चराइज़र कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। कुछ ऑयली स्किन वाले सोचते हैं कि उनको मॉइस्चराइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है और स्पेशली समर्स में तो ऐसा होता है। अगर आप ऑयली स्किन वाले हो तो आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, लेकिन मॉइस्चराइज़र को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट और स्मूथ रहे। आपको कोई भी फेस मास्क या फिर शीट मास्क डेली अप्लाई नहीं करना चाहिए, स्किन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और ओवरलोडेड हो जाती है अगर आप रोज़ रोज़ कोई ना कोई मास्क या फिर शीट मास्क अप्लाई करते रहेंगे, तो आपको टाइम देना होगा अपने फेस को। आप वीक में 2 से 3 बार से ज़्यादा फेस मास्क या फिर शीट मास्क अप्लाई मत कीजिएगा, और अगर आप डेली कोई ना कोई मास्क अप्लाई करेंगे तो आप बस अपना टाइम एंड मनी वेस्ट करेंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा है रॉन्ग ऑर्डर्स में स्किन केयर अप्लाई करते, उनको जो पसंद आता है वो एक के बाद एक अप्लाई करते जाते हैं, बट गाइस अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी स्किन में अच्छे से काम करे तो उन्हें सही ऑर्डर्स में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस स्किन केयर का राइट ऑर्डर है फर्स्ट है क्लींजर या फिर कोई फेस वॉश, देन है स्क्रब, देन फेस पैक, देन टोनर, उसके बाद है सीरम, देन उसके बाद अंडर आई क्रीम, मॉइस्चराइज़र, देन फेशियल ऑयल।
तो बहुत सारे लोग पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, देन आई क्रीम अप्लाई करते हैं, तो ये दोनों आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गए मेन ऑर्डर या फिर एक्चुअल ऑर्डर, मतलब अगर आप इतने सारे करना चाहते हैं तो, और अगर आप इतने सारे स्टेप्स नहीं भी करना चाहते हैं तो मस्ट जो करना है आपको वो है CTM, यानी कि क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सो स्किन केयर में आप कुछ करें ना करें, इन तीनों को आपको ज़रूर करना चाहिए और बाकी सब तो ऑप्शनल है। सो ये लास्ट वाला मिस्टेक तो हम सबको ठीक करना चाहिए और स्पेशली इस टाइम में तो ये इम्पॉर्टेंट है, और मुझे पता है कि हम इससे तो ज़रूर भूल जाते हैं और मैं भी भूल जाती थी, लेकिन अब ये मेरा हैबिट हो चुका है। सो मोबाइल फ़ोन हम सभी यूज़ करते हैं और हम जहाँ जाते हैं उसे साथ तो ज़रूर लेके जाते हैं, और कहीं पर भी हम उसे रख देते हैं, और देन जब हम घर आते हैं तो हम अपने आप को तो साफ़ कर लेते हैं, पूरा फ्रेश हो लेते हैं, देन सैनिटाइज भी कर लेते हैं खुद को, और कहीं ना कहीं हम हमारे फ़ोन को भूल जाते हैं, लेकिन उस पर भी बहुत ज़्यादा डर्ट होते हैं एंड पोल्यूशन और बैक्टीरिया भी रहते हैं। तो और कुछ लोग सैनिटाइज तो कर लेते हैं उसको, बट उसके ऊपर की धूल को, डर्ट को नहीं साफ करते हैं, और देन हम उसी फ़ोन को फिर से यूज़ करते हैं, देन उसे अपने कान पे लगा के बात भी करते हैं। सो उस पर जितने भी सारे डर्ट होते हैं एंड पोल्यूशन होते हैं वो हमारे फेस पर चिपक जाता है, और इससे हमारे फेस पे पिंपल्स, ब्रेकआउट्स, इस तरीके के प्रॉब्लम्स छोटी मोटी हो सकती है। आप कोई भी क्लीन क्लॉथ लेकर अपने फ़ोन को क्लीन कर सकते हैं, और मैं पर्सनली एक क्लीन क्लॉथ लेती हूँ और सैनिटाइजर्स फ़ोन में अच्छे से स्प्रे करके देन उस क्लॉथ से अच्छे से उसे साफ कर लेती हूँ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दिन में आपको 2 से 3 बार तो ज़रूर करना चाहिए, एटलीस्ट 2 बार तो ज़रूर करना अपने फ़ोन को क्लीन। सो गाइस, ये थे मेरे 10 स्किन केयर मिस्टेक्स जो हम जाने अनजाने में कभी ना कभी कर देते हैं। और गाइस, मैंने आपको ये भी बता दिया है उनके साथ साथ कि आपको क्या करना चाहिए। सो अगर आप ये सारे मिस्टेक्स करते थे और अगर बंद कर देंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी, और आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आप ये सारे मिस्टेक्स नहीं करते थे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ये सारे मिस्टेक्स करते हैं तो उन्हें भी ये वाला वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले। और आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए या फिर आप लोगों के लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना गाइस, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।